हेलो एवरीवन, देखिए फाउंडेशन कोर्स हमने स्टार्ट किया था और पहली क्लास हम ले चुके हैं। आज आपकी सेकंड क्लास है और इसमें जो टॉपिक करवाएंगे वो है यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक निकालना। ये फाउंडेशन कोर्स हमने स्टार्ट किया था उन बच्चों के लिए जो लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनको बेसिक से करना है, ए टू जेड ऑल कराएंगे, बेसिक से लेकर हायर तक पूरा जितना आपका रिक्वायरमेंट है। तो आज की जो सेकंड क्लास है वो है यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक। एक एक पार्ट लेकर के इसको सीरीज फॉर्म में पूरा कंप्लीट करेंगे। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये टॉपिक अब स्टार्ट करने जा रही हूँ आपका, जिसमें बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें पहले बेसिक रूल्स कराएंगे, फिर क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे, उन रूल्स को कैसे यूज करना है ये सारी चीजें बताएंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए ना, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर इकाई का अंक होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि 2 की पावर 2 कर दिया, ठीक है, या 2 की जगह हमने कर दिया 2 की पावर 4, तो इसका मतलब हो गया 2 को हम लिखेंगे 4 बार और 2 टू 4 टू 8 टू 16, ठीक है। यानी ये जो डिजिट हो गई वो आपकी यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक हो गया। मतलब समझ गए कि आप कितनी भी बड़े डिजिट को सॉल्व करें लेकिन यहाँ पर जो डिजिट आएगी वो इकाई का अंक होगा, यानी यूनिट डिजिट होगी। अब जैसे हम यहाँ पे कर दें 15 की पावर 2, ठीक है, तो 15 को हमें कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 टू 5, तो 5 आपका आंसर हो गया, यानी यूनिट डिजिट हो गई, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन एक बात करते हैं, जैसे कि 732 × 46 × 72, अब अगर इसको सॉल्व करके यूनिट नंबर बताना है, यानी इकाई का अंक बताना है, तो कैसे करेंगे, लास्ट नंबर को लास्ट नंबर से इंटू कर देंगे, तो ये हो गया 2 × 6 करेंगे, 6 × 2 = 12 हो गया, फिर इस 2 का इस लास्ट से इंटू कर देंगे, 2 × 2 = 4 हो गया, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 4, यानी लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद डबल डिजिट आती है तो तब भी हमको उसका इकाई का अंक ही लेना है, फिर उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे कोई भी डिजिट है 15 की पावर, या हम बड़ी डिजिट ले लें 729 की पावर 731, अब इसको सॉल्व करके यूनिट नंबर निकालना है, ठीक है। तो ये तो छोटी छोटी पावर्स थी, इसको तो हम सिंपल सॉल्व करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि पावर भी ज़्यादा है और डिजिट भी ज़्यादा है। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो आप अगर फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए फिर हम इसके कुछ रूल्स आपको बता देते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 1737 की पावर 1991, और ये पूरा चैप्टर का नाम ही है इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक बताओ। मतलब इसको आप सॉल्व करें तो यूनिट नंबर क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब ये तो इम्पॉसिबल हो गया कि इसको इतनी बार लिखेंगे फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। तो इसके कुछ बेसिक रूल हैं वो समझिए। जैसे रूल नंबर 1 क्या है, जो भी पावर आपको दी हो, जो भी पावर 1991 दी है, उसको हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे। 4 × 16 हो गया, 3 बच गया, 4 × 9 = 36 हो गया, फिर 3 बार क्या, 4 × 7 = 28, 3 बच गया, ठीक है। जो भी पावर दी होगी उसको हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा ना, ये वाला रिमाइंडर, वो लास्ट डिजिट की पावर हो जाएगा। ये 7 है, ये पावर 3 हो गया, यानी 7 को हमें लिखना है 3 बार और मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना होगा, 7 × 7 = 49 और 9 × 7 = 63,
यानी 3 आंसर करेक्ट हो गया। 7 की पावर 3 भी करते तो डायरेक्ट ही हो जाता, लेकिन आपको मैं एक रूल बता रही हूँ कि इसको कैसे करना है। जितनी पावर आएगी उसको 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करना है। डबल डिजिट अगर मल्टीप्लाई करके आती है तो उसको आपको यूनिट डिजिट ही लेना, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी इसका आंसर कितना हो गया, 3 यूनिट नंबर। तो ये तो रूल नंबर 1 हुआ, पावर को 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा लास्ट डिजिट की पावर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको दूसरे रूल में एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि अगर लास्ट डिजिट मतलब ये वाली जैसे डिजिट है, ठीक है, यहाँ पे क्या नंबर हो, या तो 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, इनमें से कोई भी नंबर अगर 7 की जगह पे होगा, मतलब लास्ट नंबर, पावर कुछ भी हो, बस जो नंबर दिया होगा वही आंसर है, मतलब उस केस में आपको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लें, 4736 की पावर 732 सपोज ये दिया है, तो आपको डिवाइड भी नहीं करना, 6 दिया है, आंसर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, या 6 की जगह अगर 0 दिया होता तो 0 आंसर होता, 5 दिया होता तो 5 होता, या 1 दिया होता तो 1 आंसर होता। तो ये भी रूल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो देख लीजिए कि रूल नंबर 3 क्या कहता है, कि एक एग्जांपल से समझ लें, जैसे कि 4327 की पावर, या यहाँ 3 कर दें, 3 की पावर 72 है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे हम इवन नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो हम ले लें 8 की पावर 72। अब देखो नेक्स्ट रूल क्या बता रहे हैं, पावर को अगर 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर आ जाए कितना, 0, मतलब 72 को अगर 4 से डिवाइड कर दें तो 4 एकम 4 आ गया, 3 बच गया, 4 8 32 हो गया, रिमाइंडर हो गया 0। अगर पावर को 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए, और अगर लास्ट नंबर इवन है, इवन का मतलब 2 हो या 4 हो या 6 हो, ठीक है, या 8 हो, तो आंसर हमेशा क्या होगा, 6 आंसर होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 6 होगा। ये आपका थर्ड रूल है, ये आपको ध्यान रखना है कि पावर को 4 से डिवाइड करें, अगर रिमाइंडर 0 आता है और लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर है तो आपका आंसर क्या होगा, 6 होगा। ये ध्यान रखना है, बस इतने ही रूल आपको ध्यान रखने हैं, और इसी पे बेस्ड ये इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सही हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, अब 1 क्वेश्चन में बताना है दिस इनटू दिस, आप सब में यूनिट नंबर बताओ, यानी इकाई का अंक क्या आएगा ये बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगी। तो अब क्या था कि इसको डिवाइड करिए 153 को किससे, 4 से। ठीक है, तो 4 3 12 और 4 8 32, 1 बच गया, 1 आ गया रिमाइंडर, 7 की पावर 1, ये 1 कौन सा, ये वाला। ठीक है, इनटू लगाए तो इनटू लगा देंगे। अब देखो लास्ट डिजिट हमने बताया था ना, 0 हो या 1 हो या 5 हो, 6 हो, तो 1 है यहाँ पर, तो हमें इसको डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो हमें क्या ले लेना है, डायरेक्ट यहाँ पे 1 ले लेना है, यानी कि 7 × 1 आंसर कितना होगा, 7 आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रूल ही हमने अप्लाई किया है, बट अगर आप सीख जाएंगे तो ये भी आपको डिवाइड नहीं, आप डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आराम आराम से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगी, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं क्वेश्चन उसको डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखिए 2, यहाँ पे प्लस लगा है और इसमें भी यूनिट नंबर निकालना है, इकाई का अंक बताइए, पावर को 4 से डिवाइड करें, 4 × 2 = 8 हो गया, 4 × 5 = 20 हो गया, 2 बज गया। ठीक, यानी 4 की पावर ये वाला 2। ठीक, बीच में प्लस लगा है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये 102 है, ये 103 है।
ठीक है, एक नंबर का ही डिफरेंस है, यानी यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 3 आ जाएगा 2 की जगह। जब 103 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। 4 की पावर 3। अब 4 चौक 16 हो गया, 16 चौक 64 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, मतलब ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया, यानी इसको इसको प्लस करेंगे तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 0। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखिए यहाँ 6 है तो इसको तो सॉल्व करेंगे तो 6 ही आएगा, हमको डिवाइड करना है 71 को। ठीक है, इसमें भी यूनिट नंबर निकालना है, सभी में निकालना है, आप लिख लीजिएगा 4 से 4 एकम 4, 4 8 32, 4 7 28, 3 आ गया, 65 को डिवाइड किया 4 से 4 1 आ गया। अब कैसे लिखोगे इसको, 7 की पावर 3 इंटू 6 इंटू 3 की पावर 1। अब सॉल्व कर दीजिए, देखिए 343 हो गया और ये हो जाएगा 6 इंटू 3, तो 6 3 18 और 8 16 24, 24 का मतलब 4 आंसर हो गया इसका। ठीक है, यूनिट यूनिट नंबर को ही मल्टीप्लाई करना है, अगर डबल डिजिट आनी है तब भी आपको सिंगल डिजिट ही लेनी है, रूल्स ही फॉलो किए हैं और कुछ नहीं किया इसमें, सीधा आंसर आ गया 4। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ये भी कैसे करेंगे, 95 को 4 से डिवाइड करें, इसमें भी यूनिट डिजिट बतानी है, 4 2 8, 4 3 12, 3 बच गया, और 58 को भी यानी ये पावर को डिवाइड कर दें 4 से, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 बच गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 7 की पावर 3, ये देखो 3 माइनस माइनस लगा है, 3 की पावर 2, तो हो गया 343 में से 9 माइनस कर दिया, तो 13 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, क्लियर। देखिए अब यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्या गलती होती है कि इसका 3 लिख लेते हैं, इसका 9 लिख लेते हैं, फिर इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, ऐसा नहीं है, अगर ये डिजिट बड़ी आई है तो आपको यहाँ से कैरी करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो मतलब 343 में से 9 को माइनस करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही करना है। अब आगे आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा देखो, आपने जो सबसे पहले बताया कि इंटू इंटू करेंगे, अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, किसी भी बड़ी डिजिट में अगर कहीं 5 आ जाता है, ठीक है, और इवन नंबर आ जाता है तो आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, इसका आंसर भी 0 आएगा, ओरल देख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ इसलिए एक एक चीज़ लिखूंगी। सबसे पहले आपको जो मिसिंग नंबर है यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, 82 83 84 85। अभी देखिए समझा रही हूँ इसलिए पूरी पूरी डिजिट लिख रही हूँ, 87 88 इंटू 89। ठीक है, जो डैश डैश है वो सारे नंबर लिखे, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 8 को हटा दें, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, कहाँ तक, 9 तक। अब देखिए कहीं तो 5 होगा ना बीच में, तो 5 और 2 इंटू कर दिया, यानी 5 है और कहीं भी इवन नंबर है, मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 0 आ गया, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर इज 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी 6th की, 6th में भी हमें दोनों क्वेश्चन में यूनिट डिजिट बताना है, कैसे करेंगे, देखिए 4 लास्ट नंबर को लास्ट से मल्टीप्लाई, 4 गुणे 1, 4 एकम 4, फिर 4 ही आ गया, 4 3 12, यानी आंसर क्या आ गया, 2। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे कैसे करेंगे कि लास्ट डिजिट यहाँ दिया है और ये अननोन नंबर है, मतलब स्टार दे दिया है, इसको निकाला, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद जो इकाई का अंक है वो 2 दे रखा है, तो स्टार की वैल्यू बताओ कैसे करेंगे, इससे पहले मल्टीप्लाई कर लो, 9 इंटू 6, 6 9 54 होता है, 4 आ गया, और 4 गुणे 4 16,
यानी छः, छः को किससे इंटू करें कि यूनिट डिजिट दो आ जाए, ठीक है। तो छः दूनी बारह भी होता है और छः सत्ते बयालीस भी होता है, दोनों में टू आ रही है, तो ये भी आंसर करेक्ट है और ये भी आंसर करेक्ट है। मतलब ऑप्शन में जो भी दिया हो तो दे टू, या तो ये भी हो सकता है और सेवन, दोनों आंसर करेक्ट है। जो भी ऑप्शन में दिया होगा उसको हम टिक कर देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने आपको यूनिट डिजिट के रूल्स टाइप्स और कुछ क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड करके दिखाए। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। बाकी नेक्स्ट टाइप हम इसके क्लास थ्री में लेंगे और पूरा कोर्स आपका फाउंडेशन में पूरा बेसिक से लेकर के पूरा हायर तक पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आप हमारे वीडियो में वीडियो को देखते रहिए, जिससे क्या होगा कि आप ए टू जेड नोट्स बनाइए अपने, कोई क्वायरी हो तो कमेंट करिए और वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एज अ डाउट, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यही ओवर करते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। और जो भी आपके पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूले हैं, किसी में कोई दिक्कत हो, आप चाहे बेसिक से ना होकर के वो हायर में हो, ठीक है, तो आप करिएगा। मैं अपना मोबाइल नंबर भी आपको दे देती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज ड्रॉप करिएगा 9873856193, और दूसरा नंबर है 9810691923। ये मेरे दोनों नंबर व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप मैसेज कर दीजिएगा। अगर किसी भी तरह के कोई डाउट्स रहते हैं आपके, वो सारे हम आपको डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो ओवर करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।